स्टूडेंट्स क्लास 5 ईबीएस ध्यान देंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है प्लांट रिप्रोडक्शन यानी पौधों का प्रजनन। पौधों में प्रजनन कैसे होता है इसका डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड यानी नए ऑफस्प्रिंग का अर्थ होता है संतान, अपनी तरह का ही संतान पैदा करने को क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन। पौधे भी ऐसा करते हैं, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। उसके लिए सबसे पहले आपका डिस्पर्सल होना जरूरी है। आप जानते हो ज्यादातर पौधे सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो सीड डिस्पर्सल बहुत जरूरी है। तो उसका डेफिनेशन है सीड डिस्पर्सल इज द मूवमेंट स्प्रेडिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। पेरेंट से दूर जाके कहीं गिर जाना या कहीं और जाके उगना उसी को कहते हैं सीड डिस्पर्सल। इसके टाइप्स में तीन टाइप्स आपको कल बता दिया गया था। पहला है ग्रेविटी डिस्पर्सल जिसमें कोई भारी फल वगैरह जो फल के अंदर बीज होते हैं वो फल अगर जमीन पे सीधे गिर जाते हैं और इधर उधर चले जाते हैं पेरेंट प्लांट से दूर हो जाते हैं और वे बीज जब बड़े होते हैं तो उस टाइप के डिस्पर्सल को हम कहेंगे ग्रेविटी डिस्पर्सल। दूसरा है विंड डिस्पर्सल। कुछ पौधे जैसे डंडलियन वगैरह है वो हवा से उड़ के इधर से उधर चले जाते हैं और उड़ने के कारण जो हवा से डिस्पर्सल होता है विंड से डिस्पर्सल होता है उसको कहते हैं विंड डिस्पर्सल। इसका एग्जांपल होगा आपका डैंडलियन या मैपल का। मैपल में विंग सीड्स होते हैं जिसमें पंखों की तरह सीड लगे होते हैं, सीड में पंखों की तरह बाल होते हैं जो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वे वजन में हल्के भी होते हैं जिसकी वजह से वो इधर उधर जाते हैं। उसके बाद है आपका एक्सप्लोजन विस्फोट जिसमें मटर की फलियां या कोई भी फलियां होती है पॉड्स होते हैं सीड के ऊपर वो सूख जाते हैं, सूखने के बाद उसके बीज इधर उधर बिखर जाते हैं उसको कहते हैं अपने आप फूट जाना उसको कहते हैं विस्फोट डिस्पर्सल। उसके बाद है वाटर। कुछ भारी चीजें हैं जैसे कोकोनट वगैरह जो नदी के किनारे लगते हैं या समुद्र किनारे लगते हैं वो पौधे जो वो उस पौधों के फल वहीं पे गिरते हैं और वहां पानी के धार से कहीं और चले जाते हैं और वहां जाके लगते हैं। इस तरह से कोकोनट और भारी फलों का वाटर डिस्पर्सल होता है। उसके बाद है एनिमल डिस्पर्सल। कुछ जीव जो है कुछ पक्षी जो है फलों को खाते हैं और उड़ते उड़ते उसको इधर उधर फेंक देते हैं और वहां पे जाके वो पौधा लग जाता है इसको कहते हैं हम एनिमल डिस्पर्सल जो एनिमल के द्वारा होता है। इस तरह से 5 टाइप के डिस्पर्सल होते हैं और इधर उधर बिखराव होता है बीजों का और हर जगह पे नए पौधे पाए जाते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे अदर मेथड्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रोइंग करने के मेथड्स, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, ग्रोइंग प्लांट्स। इसमें पहला आएगा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मेथड जो है उसमें क्या होता है दो पौधों को हम लोग लेते हैं, एक पौधा एक गमले में, मान लीजिए आपका ये गमला है और इसमें एक पौधा को हम ऐसे थोड़ा सा ओब्लिक काटते हैं इसको इस पौधे के नीचे से जड़ को और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर में ओब्लिक इसको कटिंग करते हैं। दूसरा पौधा जो है होता है उसको भी ओब्लिक काट के इसके ऊपर चिपका देते हैं हम इसको टेप से, ऐसे दोनों पौधे को टेप से हम लोग इसको चिपका देते हैं और यहाँ पे टेप से या किसी भी चीज से या धागे से इसको बांध देते हैं और ये अपने आप जुड़ जाता है जैसे फ्रैक्चर जुड़ते हैं हम लोग हड्डी जुड़ते हैं डॉक्टर लोग, इस तरह से आपका ये भी जुड़ जाता है। इस मेथड को ग्राफ्टिंग मेथड कहते हैं। उसके बाद आपका होता है कटिंग मेथड। कुछ पौधे होते हैं जैसे स्टेम का पौधा होता है, ये सॉरी रोज का पौधा होता है, रोज में हम लोग पेड़ के स्टेम को काट देते हैं या गन्ने का पौधा होता है शुगर कैन का उसको अगर कटिंग काट दिया जाए उसके नोड्स के पास से और उसको लगा दिया जाए जड़ सॉइल में तो वो अपने आप ग्रो करते हैं। तो उस तरह के प्लांट्स ग्रोइंग को कटिंग कहते हैं। उसके बाद आपका आता है लेयरिंग। लेयरिंग में जो पौधे होते हैं वो खुद ही उसके जो डंडी होती है वो खुद ही नीचे तना नीचे जमीन में चला जाता है और अपने आप उसमें नीचे मिट्टी में से नया पौधा उगने लगता है। उसके बाद आता है पांचवा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में कुछ पौधों के टिश्यू क्या होता है हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट सेल होता है और ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं टिश्यू कहते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर में टिश्यू को लेके हम इसको और लेबोरेटरी में इसको तैयार किया जाता है तो इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स जो हम
कल की क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू।